देखो लेटेस्ट ईयर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चाहे कितना भी जो है मतलब प्रैक्टिस कर लो किसी भी सवाल में तो सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखो। सरदर्दी बहुत लगता है, नया क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, हर किसी को लगता है, कोई अपने आप को मोल्ड ही नहीं करना चाहता है। तो भाई अगर अपने आप को मोल्ड ही नहीं करना चाहोगे तो सरकारी नौकरी कैसे लगेगा ये बताओ पहले, ठीक है? आप सोचते हो कि चंद सवाले लगाकर हम जो है हीरो बन जाएं, टुच्चे चैनलों के वीडियो देख के टुच्चे क्वेश्चंस लगा के हम हीरो बन जाएं, हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो यही कारण है कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपने आप को आप उस तरीके से ढाल ही नहीं रहे, आप अपने आप को अपडेट करना ही नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा टफ सवाल आता है तो आपके सर में दर्द होने लगता है, कैसे लेंगे आप नौकरी ये बताइए। बाकी का 12 लाख 15 लाख पागल है जो इतना दिन रात मेहनत कर रहा है, कभी आओ दिल्ली दिखाते हैं यहाँ के लाइब्रेरी में बच्चे किस तरह खतरनाक तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो पता चल जाएगा, जब गुरुकुल में बच्चा 16 घंटे रगड़ता है ना तो बाहर वालों की हालत खराब हो जाती है। जब जाओगे बाहर यूपीएससी और आईएएस वाले लाइब्रेरी में देखोगे 12 घंटे 14 घंटे लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए, ठीक है, एसएससी का लूसेंट रखते हुए, खत्म करते हुए वोकैबुलरी को, तो पता चलेगा कि असली कंपटीशन तो यहाँ था, हम तो जी रहे हैं फालतू की हवागिरी में, ठीक है? प्रीवियस ईयर लगाओ, भला होगा, सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं आता है रैंक सीजन में, ऐसे नहीं बनोगे टॉपर। बढ़िया सवाल है तो कंसेप्ट सीखो ताकि दोबारा आए तो उस पर हम काम करें, ये ना हो कि छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। मैंने देखा ना अभी 350 लाइव चल रहे थे, क्वेश्चन मैंने कराया 300 पर आ गए। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि टफ क्वेश्चन पे आप लोग का इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इससे होगा तो फिर अगली बार मैं भी टफ क्वेश्चन लेके नहीं आऊँगा, ठीक है? आप भी नहीं करोगे, क्या जरूरत है मुझे अपडेटेड लेकर आने की और मुझे अपने व्यूज को कम करने की? कोई जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है? क्या जरूरत है ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ला के आपको मेंस के क्वेश्चन करवाने की? यूट्यूब पे लाओ आसान क्वेश्चन, आपको खेलाओ, आप भी खेलोगे हम भी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, डरो मत, ठीक है? मेंस वेंस के क्वेश्चन से डरना नहीं है, एमटीएस के क्वेश्चन से डरना नहीं है, नए सवालों से डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जीतम राम मांझी की स्टोरी सुने हो ना, क्या बोलता रहे, बहुत अकड़ है तोरा में, ठीक है? जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो बस कसम खा लो, ठीक है? और कसम खा लो यहाँ पे कि जब तक ये पेपर को क्लियर करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो?